आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसकी दो आपकी बातें हैं कि पहला तो ये थोड़ा सा टफ है और दूसरा इसमें प्रत्येक टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है एयरफोर्स में। यह है इस जो अपना मॉक टेस्ट दिया है एयरफोर्स ने अपना ऑफिशियली, उसके आधार पर बनाया गया है जो 20 क्वेश्चन है अपने। तो क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई थोड़ा सा टफ बनाओ, तो अगर इस एग्ज़ाम में आप मार्क्स कर लेते हो 17 या 18 तो बहुत ही अच्छी बात है। दो बेफिक्र रहिएगा, आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप आसानी से क्लियर कर दोगे एग्ज़ाम अगर आप इतने नंबर इस टेस्ट में एक्वायर कर लेते हो। क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग छांट छांट कर आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह सबसे पहले आता है पैसेज। तो पैसेज देखिए, अब मैं पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपको। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पैसेज पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज कर आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। इतना ईजी पैसेज है कि अगर आप एक बार नॉर्मली पढ़ोगे तो आपका आसानी से सही हो जाएगा। और मैं आपको इनके राइट आंसर नीचे हैं वो आपको सभी आंसर बता दूंगा, ठीक है? तो आप पढ़ सकते हैं, अभी पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बस इतना लास्ट है ये कि एज पर द लेटेस्ट इस्टीमेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मतलब ये हमारे सेटेलाइट के बारे में है, जो आउटर जो ऑर्बिट है अर्थ का उसके बारे में है। तो अब भाई आपको मैं क्वेश्चन के तरफ ले चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिब्रिस इज यूज इन द पैसेज। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डिब्रिस कहाँ यूज किया गया है। तो डिब्रिस आप दे सकते हैं द स्पेस डिब्रिस द रिमेनिंग इंक्लूड। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अभी और अपना आंसर चूज कर सकते हैं कि डिब्रिस का मतलब यहाँ पर क्या है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ अभी। तो डिब्रिस का मतलब है वेस्ट, ठीक है? तो इसका आपका राइट आंसर आपका सही होगा। वैसे तो इजी ही क्वेश्चन था ये। क्या बात है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए सैटेलाइट कैन बी यूज फॉर, कि सैटेलाइट किन किन चीज़ों के लिए यूज की जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन है इस पैसेज का। तो इसमें पहला ऑप्शन कम्युनिकेशन है, दूसरा रिमोट सेंसिंग है, तीसरा वेदर फोरकास्ट है, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन, वेदर ट्रैकिंग, नेविगेशन, रिसर्च, रिमोट सेंसिंग, तो ये वो सभी फीचर्स हैं। तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कि सैटेलाइट किसके लिए यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, ठीक है? तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि जो स्पुटिंग आई वो जो की जो स्पुटिंग है वो क्या है। कि पहला है द यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है यूएसएसआर, तीसरा है द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ 9 कंट्रीज, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, कि ऊपर के जो सभी आंसर है वो करेक्ट हैं। तो जो इसका जो स्पुटिंग आपको दिखाता हूँ कि इस पैसेज में कहाँ पर है, तो देख लीजिए द वर्ल्ड फर्स्ट सेटेलाइट आई वॉज ऑन द सिंस द सोवियत यूनियन। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अभी और अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ आंसर की तरफ। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्हें करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो अब अपना राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई द यूएसएसआर इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि टिल डेट हाउ मेनी कंट्रीज कैन लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ देयर ओन, कि कितने कि अभी तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा है ओनली 4, तीसरा है ओनली 9, केवल 9, और चौथा है कि इस पैसेज से क्लियर नहीं है। तो इस पैसेज में चलेंगे तो हम ही हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है सैटेलाइट्स के बारे में, कि अभी कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 कंट्रीज, ए फ्यू इंटरनेशनल, ठीक है? तो 9 कंट्रीज ने अभी तक क्या है सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ओनली 9, ठीक है? तो अभी चलेंगे अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है एक इडियम फ्रेज है, ठीक है? तो मैंने अलग अलग चूज किया है, मतलब सभी जगहों से एसएससी की प्रीवियस एग्जाम से आपके लिए चूज किया है। तो दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट का आपका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के कारण मैं अभी आपके 3 तारीख के बाद ही आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगा। तो 5 नंबर है कि इडियम फ्रेज, तो इसका टू बी एट ड्रेगर्स डेगर्स ड्रोवन, इसका मतलब क्या है? पहला है टू बी अंडर सस्पिशन, टू हैव बेटर इनिमिटी, तीसरा है टू कीप अनचेंज, और चौथा है कन्फ्यूज्ड। तो इडियम फ्रेज अगर आपने रीड की हुई है तभी आपका सही होगा यह है, तो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है आपके लिए। तो 5 नंबर का आंसर आप चूज कर लीजिए, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका राइट आंसर है टू हैव बेटर इनिमिटी, कि दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी होता है इसका मतलब। क्या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डेगर्स ड्रोवन, की घसीटते हुए ले जा रहे हैं आप, ऐसा अपने एक मतलब मीन्स बना लीजिए इसका। तो घसीटते हुए कौन ले जाता है? दुश्मन ही ले जाता है। तो अब हम चलेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको एयरफोर्स एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक एंटोनियम्स और एक सेनोनियम्स, तो वो मैंने दो यहाँ पर डाल दी हैं, और थोड़े से पिछले एग्जाम से जो प्रैक्टिस सेट से उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सेनोनियम है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और आपका एंटोनियम आएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो कैलियस का क्या होता है आप चूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है काइंड, दूसरा है सिंपैथेटिक, दूसरा है तीसरा है सुटेबल, और चौथा है इंडिफरेंट। तो पहले तो कैलियस का मतलब क्या होता है? असंवेदनशील होता है, उदासीन कह सकते हैं आप, उदासीन या असंवेदनशील। तो काइंड आप मान सकते हो कि दयावान, सुटेबल सुटेबल होता है किसी मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सिंपेटिक दया से भरा हुआ। आपको सेनोनियम देखना है तो इसका राइट आंसर है डी, इनडिफरेंट, किसी चीज़ के प्रति उदासीन, इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर है। एंटोनियम से हमें डिप्लोर का पता करना है। तो डिप्लोर, पहला ऑप्शन रिग्रेट, दूसरा कंप्लेन, तीसरा है टाउंट, और चौथा है अप्लोड। तो डिप्लोर का क्या मतलब होता है? डिप्लोर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका हमें एंटोनियम्स देखना है, तो आप ऐसा देखिए जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा का मतलब होता है, इसका भी राइट आंसर है 4 नंबर। एप्ल्यूड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। तो आशा करता हूँ कि आपके दोनों ये क्वेश्चन सही होंगे। तो आपको इसमें 17 से प्लस मार्क करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ठीक है? तो मैंने इसमें इजी भी डाले और थोड़े डिफिकल्ट भी डाले, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट देखा होगा तो उसमें इजी भी क्वेश्चन भी है और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। जैसे एक जो पैसिव वॉइस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और एक कंजक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अभी चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक मिस स्पेल्ड वर्ड, 8 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था आपके मॉक टेस्ट में एयरफोर्स के। तो पहला है ऑप्शन है इरिवोकेबल, कि कौन सा इनमें मिस स्पेल्ट है, दूसरा है इनफेलिबल, तीसरा है रिहोट्रिक, और चौथा है इनलिजिबल, ठीक है? इनफेलिबल का मतलब होता है जो कोई फेल ना हो, इस चौथे नंबर का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, और रिहोट्रिक होती है एक शैली, प्रभावशाली लेखन की एक शैली होती है। तो इसका आपको इरिवोकेबल, जिसे दोहराया ना जा सके। तो मिस स्पेल्ट वर्ड आप चूज कर सकते हैं, तो इसका मिस स्पेल्ट वर्ड है ए, इसमें IRR का यूज करना होगा, IRR, यहाँ पर एक सिंगल आर है, तो इसका राइट आंसर है ए। अब हम चलेंगे अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दी हुई है एक नरेशन, तो नरेशन दिया हुआ है कि आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। तो जहाँ पर आपको एक नरेशन और एक पेशी वोच देखने को मिलेगा, अपना 9 नंबर क्वेश्चन है। तो आई पहला ऑप्शन, दूसरा तीन ही ऑप्शन है, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो वहाँ पर देखिए आप प्लीज़ दिया हुआ है, तो प्लीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका 3 ही बनता है, माई फादर, और रिक्वेस्ट के लिए कंजक्शन 2 यूज करते हैं, गिव मी, यहाँ पर मोर मनी है लास्ट में, तो मी को इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी ही आता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। तो आशा करता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्टली 3-4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से मिल जाते थे, या 3-4 आपको एंटोनियम सेनोनियम से मिलते थे। तो लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में सबसे अलग हटकर है, हर क्वेश्चन थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी, इजी भी। तो हमारे साथ बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अपने एक फ्रेंड तक मेरी विनती, आपसे इसे शेयर कर दीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, उन सबसे अलग है, और आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक वॉइस आ गया है, तो भाई वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो इसका क्या करोगे? कि अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, इसका ब्रीफली एक्सप्लानेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको इनके अगर रूल्स पता हैं तभी आप इनको कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो भाई
इसका राइट आंसर आप है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय यस। स्मोकिंग को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और उससे पहले बाय का यूज किया। तो राइट आंसर ए है इसका। अब चलते हैं अपने नीचे के क्वेश्चन की तरफ कि तो इसमें आपको दो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर डाली हैं, ठीक है। तो अब आता है द गोट सब्सिस्ट ब्लैंक द क्वेरेस्ट ऑफ फूड। अगर आपने पढ़ी है फिक्स प्रीपोजिशन तो हिंदी, अगर आपको इनका पता है करने की जरूरत नहीं है, हिंदी से आप इसकी प्रीपोजिशन सही नहीं निकाल पाओगे। तो सब्सिस्ट के साथ क्या लगता है, अपना राइट आंसर चूज कीजिए तो मैं आपका राइट आंसर इसको बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है सब्सिस्ट ऑन। थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है प्रीपोजिशन, लेकिन नेक्स्ट प्रीपोजिशन आसान है। अब आता है इब्राहिम आदिल शाह वॉज फॉन्ड ब्लैंक आर्किटेक्चर। तो इसका पहला ऑप्शन टू है, दूसरा ऑन है, तीसरा ऑफ है, चौथा फोर है। तो फॉन्ड के साथ क्या लगता है कि दीवाना होना या पसंद होना, तो फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक भी कर सकते हो, फॉन्ड ऑफ गेम्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, तो इनमें आपका दोनों प्रीपोजिशन सही होंगी, सब्सिस्ट वालों में कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आते हैं एक क्वेश्चन अपना आर्टिकल से, ही वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि ऐसे रूल आपको जरूर पढ़ने चाहिए अगर आप पढ़ते हैं आर्टिकल को, तो कि अपॉइंटेड और इसके बाद प्रेसिडेंट के ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आने वाला है। पहला ऑप्शन ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर चूज कर लीजिए, इसका राइट आंसर है नो आर्टिकल। थोड़ा सा डिफिकल्ट था यह आर्टिकल, क्योंकि जो अपॉइंट, मेक, सिलेक्ट के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कि अगर हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, मेक किया है, सिलेक्ट किया है, तो हमें नो आर्टिकल का यूज करना है। तो आशा करता हूँ आपका यह क्वेश्चन सही होगा। यही ऐसे दो क्वेश्चन थे, जो एक प्रीपोजिशन थे पीछे वाले, एक आर्टिकल, जो आपके गलत हो सकते थे। अगर सही है तो डरने की बात नहीं है। अब आता है एक टेंस से क्वेश्चन, वर्ब से रिलेटेड, कि आई ब्लैंक माई एक्सरसाइज बाय देन। यह एक इजी क्वेश्चन डाला है मैंने टेंस से। पहला ऑप्शन है सेल बी, दूसरा है सेल बी रिटर्न, तीसरा है हैव रिटर्न और चौथा है सेल हैव रिटर्न। अगर आपने रूल पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी वाक्य में बाई के साथ टाइम आता है, तो यहाँ पर देन है वो टाइम को शो कर रहा है, तो जब भी बाई के साथ टाइम आपको मिलेगा तो वहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, सेल हैव रिटर्न। तो इसका राइट आंसर है फोर नंबर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आपका सही होगा, तो बेस्ट ऑफ लक आगे वाले क्वेश्चनों के लिए। तो ये क्वेश्चन था एसएससी की प्रीवियस एग्जाम में, फूड कॉरपोरेशन के एग्जाम में आया है, तो वहाँ से मैंने पिकअप किया है इसको। कंजक्शन से रिलेटेड है, तो मॉक टेस्ट में भी उन्होंने कंजक्शन से रिलेटेड दिया हुआ था। तो थो ही सफरिंग फ्रॉम मच पेन, ब्लैंक ही डज नॉट कंप्लेन। तो सबसे आसान क्वेश्चन ही मान सकते हैं आप इसे, यह आसान है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देन है, दूसरा एल्स है, तीसरा यट है, चौथा देन है। तो थो के साथ किस कंजक्शन का यूज करते हैं, थो के साथ करते हैं थो यट। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर, थो यट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपका सही है, मोस्टली स्टूडेंट का यह सही होगा, थो यट यूज करेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम मैंने दो एरर डाली हैं, जो ये दोनों एरर हैं एसएससी के एग्जाम से पिकअप की हुई हैं। तो पहला है ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, तो या नो एरर। तो अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तभी आपका यह, पूरी ग्रामर पढ़ रखी है तभी आपका यह सही होगा, वरना तो गलत है। तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी, एक्यूज्ड के साथ विथ नहीं लगता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर आ गई है यहाँ पर, तो एक्यूज्ड ऑफ या आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब आता है ही सैड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की और नो एरर। तो इसका राइट आंसर, तो यह भी प्योरली ग्रामर बेस्ड है, ही सैड दैट ही। तो इसका राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। क्योंकि जब भी आप नरेशन बनाते हो, तो जैसे मे, कैन, सेल को किस में बदलते हो,
इसको कैन को आपको कुड में बदलना होगा, अगर सेल होता तो शुड में बदलते हैं। तो यह रूल तो आपने पढ़ा होगा कि दिस डे को दैट डे में, नाउ को देन में, तो ये उसी तरह है, कैन को आपको कुड नॉट में बदलना होगा। तो आशा करता हूँ कि दोनों ये कॉमन एरर आपकी सही होगी। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी क्वेश्चन है, तो जिनको अच्छा लगता है वीडियो वो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ कि आपको वीडियो कैसा लगता है और ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, तो लेवल इसका कैसा लगा आपको, हार्ड लगा है या इजी लगा है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अब आता है एक वन वर्ड, तो यह भी एसएससी की प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पहले बता देता हूँ कि ये जो वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इन वर्ड का आपको जहाँ पर भी, अगर आप कहीं पे से हिंदी अर्थ देख सकते हो तो देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे, सभी स्टोरीज से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बताऊँगा थोड़ा बहुत तो मैं। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर स्टोरी कौन सी होता है, तो इसका राइट आंसर है एनेक्डोट होता है, एक छोटा हंसी का किस्सा, जो हम मतलब हम किसी के साथ मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो वो होता है एनेक्डोट, तो इसका राइट आंसर ए है। पैरेबल होते हैं नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। लीजेंड होता है मतलब किसी बड़े आदमी की, जो हम कहानियाँ बताते हैं हमें घर वाले जब हम छोटे होते हैं, तो वो लीजेंड कहानी होती है। और फेबल भी एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है, फेबल या टेल भी कह सकते हैं उन कहानियों को, टेल भी कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट का मुझे लगता है गलत हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यह क्वेश्चन। जिनका सही है बेस्ट ऑफ लक। अब आता है अपना एक PQRS, मॉक टेस्ट में आया था, तो यह PQRS भी SSC के एग्जाम से मैंने लिया है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लिया, मॉक टेस्ट में तो थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा नहीं यार वो थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। तब आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट बाई मैन, पी है ये पार्ट, द वन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑन अर्थ, और ये आपको लास्ट पार्ट है, ये तो पहला पार्ट है और लास्ट पार्ट है, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, PQRS ये चार ही है। तो अब आता है बिल्ट बाई मैन, तो इसका राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ए, RQPS, की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सेड टू बी, कहा जाता है द वन स्ट्रक्चर, अकेली एक ऐसी मात्र जो स्ट्रक्चर है बिल्ट माई मैन, लोगों के द्वारा बनाई गई ऑन अर्थ पृथ्वी पर, विच इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर्स फ्रॉम स्पेस, की जो जो ऑर्बिट से भी देखी जा सकती है, बाहरी स्पेस से भी देखी जा सकती है। तो यह था अपना PQRS। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे उसमें मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चन दिए हुए थे जिनमें आपको कोई भी वर्ड फिलअप करना था, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द ब्लैंक क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम ए टूनिटियस वेलकम। तो इसमें पहला ऑप्शन है जुबिलेंट, दूसरा है ट्रबलसम, तीसरा है नोजी और चौथा है एरोगेंट। तो पहले बता देता हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और एक फ्रेंड तक अपने इसे शेयर कर देना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसकी डिस्कस करेंगे। तो आप अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा जुबिलेंट, ठीक है, मतलब जुबिलेंट का मतलब होता है उत्साहित, नोएजीत होता है भीड़भाड़, ट्रबलसम होता है मुश्किल, से एरोगेंट होता है घमंडी, ठीक है। तो जुबिलेंट मतलब उत्साहित, भीड़ ने जो विक्टोरियस टीम है, विजी टीम का वेलकम किया, तो यह इसका हिंदी अर्थ था। तो जुबिलेंट इसका राइट आंसर है ए। तो अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 17 से ऊपर किए हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही आपको देखा होगा, आपने मॉक टेस्ट था थोड़ा सा ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा ईजी ही था। अगर आप कहते हैं कि इससे भी हार्ड बनाएं तो कमेंट कर दीजिएगा हार्ड, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना हार्ड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस सेट, और फिर देखेंगे आप क्या 17 से ऊपर ले आते हैं। तो इसमें पैसेज भी आसान था, तो एक प्रीपोजिशन आसान थी, तो मोस्टली आप थोड़ा सा आसान था ये, लेकिन अदर जो प्रैक्टिस सेट है उनसे डिफ़िकल्ट था। तो बाकी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें योगीराज एजुकेशन हब को, ताकि आपको एयरफोर्स रिलेटेड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।